आपको निकाह कबूल है? नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू ना। अब भी फोन बस कर दो, अब तो रख दो इसे। आज ना हम भी सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफर ही नहीं था। अरे मुझे नहीं लेनी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी हो गई और वो भी इतने बड़े खानदान में। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप कर लें, क्योंकि आप, मैं मिसेस शहजाद हूं। और देखिएगा कि कैसे राज करूंगी उस घर पे, इंशाल्लाह। वैसे ही ना, देखो कैसे एक तस्वीर ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी किस्मत ऐसी अच्छी निकलेगी। बड़े खुश नसीब हो बेटा, अल्लाह मियां हमेशा ऐसा ही रखे तुम्हें। तस्वीरें ही तो किस्मत बदला करती हैं, जैसे मेरी बदल गई। चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी कमाल लग रहे हैं। हिना, तुम तो जानती हो कि ये शादी आप ही की मर्जी के खिलाफ हुई है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप ही को शिकायत का कोई मौका ना दो। आपको मेरी वजह से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा इस दुनिया में आप ही के सिवा कोई भी नहीं है, तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आप ही को कैसे खुश रखोगे। जैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे यकीन है कि आप ही के दिल में भी जगह बना लोगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी आप ही है। थैंक यू, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद है। हिना, मैं चाहता हूं कि हम पास्ट की कोई बात याद ना करें, भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। रिंग मैंने तुम्हारे लिए ली, फैंसी। अब ये और भी खूबसूरत लग रही है। बाकी इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है, मुझ समझ। आई एम हैप्पी। थैंक यू नूरी। नूरी, आप ही को सैंडविचेस तो दो। अभी मुझे शहजाद ने बताया था कि आपको बहुत पसंद है सैंडविचेस, तो मैंने खास कुक से आपके लिए बनवाए हैं और बहुत मजे के, आप ट्राई करें। हाँ, हमारे घर के कुक खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो सैंडविचेस भी अच्छे बनाए होंगे। आई एम श्योर। आप भी ये ट्राई करें, बहुत मजे का पराठा है। हिना, रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? सब नाश्ता मेरे सामने रखा हुआ है, जिस चीज की जरूरत होगी मुझे मैं खुद ले लूंगी। आराम से अपना नाश्ता करो, इट्स ओके, रिलैक्स। दरअसल आप मेहमान है ना इस घर में, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप किसी भी किस्म की कमी महसूस हो। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ। इस घर का एक एक कोना मैंने खुद सजाया, इस घर की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से खरीदी हुई है। स्वीटहार्ट, आई एम नॉट अ गेस्ट इन दिस हाउस।
नूरी शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। मेरे लिए ना कमरे में चाय ले आना और फिर बर्तन समेट के इन लोगों को भी चाय दे देना, ठीक है? अभी आपको इस तरह ऐना से बात नहीं करनी चाहिए थी। उतनी मोहब्बत से खाना सर्व कर रही थी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोलना नहीं चाहिए था? क्या कह दिया मैंने ऐना को? देखिए ऐना इस घर का फर्द है, उसे टाइम तो लगेगा ना थोड़ा एडजस्ट होने में। अगर आप उसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो कैसे एडजस्ट हो पाएगी? हाँ शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब तो हो गई ना। बेहतर ये नहीं है कि आप उसे इस घर की बहू की हैसियत से एक्सेप्ट करें? हाँ आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया उसके सामने, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलें कोई बात नहीं, अभी मैं तो चाहता हूँ कि आप साल में दो दफा बच्चों के साथ आए, हिना से मिलें, ताकि आपका अपना रिलेशन उससे स्ट्रांग हो। वो एक बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है, मैंने खुद देखा है। बस एक दफा आप अपने दिल से उसके लिए बदगुमानी निकाल कर तो देखें। शहजाद तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कि हम दोनों का आपस का मामला है, हम दोनों आपस में तय कर लेंगे। इट्स ओके, रिलैक्स, तुम नाश्ता करो। बेटा कैसे हो, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों साथ साथ, अल्लाह कुछ रखे तुम दोनों। बैठो ना बेटा। आंटी फिलहाल तो मैं हिना को ड्रॉप करने के लिए आया, क्योंकि मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे निकलना होगा, लेकिन जब इसको लेने के लिए आऊंगा तो बैठूंगा भी और आपके हाथ की चाय भी पीऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। अल्लाह अल्लाह हाफिज, खुश रहो। इधर तो देख ले कोई। हाँ हाँ देख रही हूँ। कितनी बदल गई हो तुम, है प्यारी लग रही हो ना। माशाल्लाह बिल्कुल शहजादी लग रही हो। ये बताओ अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी अभी अपना घर छोड़कर आने की क्या जरूरत है? अरे पीछे वो शहजाद के कान भरे तो क्यों भरेगी वो किसी के भी कान? शादी होनी थी मेरी शहजाद से, अब हो गई, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बेटा कान भरने का क्या है, हैं? देखो ना वो शहजाद से तुम्हारी बुराई करेगी तो शहजाद का दिल खराब होगा ना तुमसे, समझती नहीं हो तुम बात को? बस कर जाओ, चुप कर जाओ, समझती नहीं हो? कोई दिल भी खराब नहीं होगा शहजाद का, मुझे कोई बच्चा शहजाद किसी की बातों में आ जाएगा। अच्छा चुप करो ना, ये देखो एहतियात तो करनी चाहिए ना बेटा। अच्छा ये देख लो, अब मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, कब से अंदर झांकी जा रही हूँ, तुम खुशी नहीं होती हो। अच्छा ये देखो ये साड़ी, पूरे 25,000 की शॉपिंग है। 25,000? पकड़ो। अरे क्या जरूरत थी, अभी तो तुम्हारी शादी पे तुमने इतनी सारी चीजें खरीदी हैं, सब होंगी तुम्हारे पास। कौन सी चीजें? वो जो आपने मुझे दहेज में दी थी। हा? अम्मा तौबा, इतनी सस्ती चीजें लगती है ना, वो किसी के सामने नहीं पहन सकती मैं। इतने अमीर बिजनेसमैन की बीवी हूँ अब मैं, तो कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहनूंगी ना भाई, पैसे हैं तो फिर दिखने भी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है कि दिखने चाहिए, लेकिन इस तरह तो पैसों के दरख्त भी होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं लुटाने से। तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती, पैसों के दरख्त भी खत्म हो जाते हैं बस ऐसी। ये रहा, ये देखो मैं कब से इसको ढूंढ रही हूँ। ये क्या है? ब्रांडेड बैग। कैसे, अच्छा है ना? हाँ पैसे भी तो अच्छे हैं। अम्मा क्या हो गया यार, हद होती है, किसी एक चीज की तारीफ कर दो। ये देखो साड़ी
सच्ची सच्ची बताओ, दिल कर रहा ना कि मैं तुम्हें दे दूँ। अरे छोड़ो, ये 25,000 की साड़ी है क्या, इसमें सोने के नग लगे हुए? अच्छा देखो। अरे मैं नहीं पहन रही, पहन रही, हटाओ तुम। यही तो समझ नहीं आती कि मैं किन लोगों में फंस गई हूं। आए दिन कोई ना कोई नया रूप इनका सामने आता है, ना जाने और क्या क्या देखना रह गया। वालेकुम सलाम। टाइम देखो, तुम्हें कहती हूँ 9 बजे आएगा और आज ही तुम लेट आई हो। आपके घर में कौन है गंद डालने वाला? साफ सुथरा तो घर है, यूँ झटपट सफाई हो जाएगी, परेशान नहीं होए। वो देखो तुम्हारे सामने सारा गंद पड़ा है, सही से पोछा भी नहीं लगाती तुम। बताओ कि तुम अंदर कैसे आई, दरवाजा तो बाहर से बंद था ना। बीबी जी मेरे पास घर की चाबी है ना। अच्छा तो तुम्हारे पास ये चाबी हमेशा होती है? जब से आप आई हैं बाजी ने और अली साहब ने मुझे चाबी दी है और कहा कि बाहर से लॉक खोल के अंदर आ जाया करो और वापस जाते हुए फिर लॉक लगा दिया करो। अच्छा हाँ, मैंने तो उन्होंने कहा था कि बाहर से लॉक करके जाया करे, मेरा तो कहीं जाना होता नहीं है, दरवाज़ा खुला होगा तो कोई भी आता रहेगा, काम के दौरान कोई भी तंग करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे रहने दे बाजी, ये लोग कैसे हैं सबको पता है, भला कोई यूँ बाहर से ताला लगा कर जाता है क्या? सब लोग बातें बनाते हैं। तो बस ऐसी बातें बनाते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी जी ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, पता नहीं आपके माँ बाप ने क्या देखकर यहाँ शादी की, आप तो यहाँ फंस गए। लोगों की तो मोहल्ले में भी किसी से नहीं बनती। तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो, जाओ समेटो, कितना काम पड़ा है। जी बच्ची अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। ऑफिस से फ्री हो गए? मीटिंग खत्म हो गई आपकी? हाँ मीटिंग तो खत्म हो गई, तुम बताओ कैसे कॉल की? वो ना एक्चुअली अपनी एक दोस्त के यहाँ जाना था मुझे, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊँ, अगर आप ड्राइवर और गाड़ी भिजवा देंगे तो आराम से पहुँच जाऊँगी। हाँ ड्राइवर और गाड़ी तो भिजवा देता हूँ मैं, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें रूट तो पता है ना? हाँ हाँ मुझे रास्ता पता है, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है। अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है फिर, कब तक वापस आओगी? वापस आने में तो
दो तीन दिन लग जाएंगे, आज ही तो छोड़ा है आपने। और इतनी सादगी से हमारी शादी हो गई, फंक्शंस में भी किसी को नहीं बुला सकी, सब दोस्त नाराज हैं मुझसे, तो आप उनको सबको मनाना पड़ेगा ना, एक एक करके मिलना पड़ेगा। है ना, दो तीन दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप ही भी यहीं पर हैं, तुम एक काम करो ना, आज सबसे मिल लो, मैं कल तुम्हें वापसी पे पिक कर लूँगा। अच्छा चलें ठीक है, आप जैसा कहें अभी फ़िलहाल, लेकिन जल्दी ज़रा ड्राइवर और गाड़ी भिजवा दें, मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही है। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस, थैंक यू, ओके हाफिज़। वाह भाई, लोग तो पहचान में नहीं आ रहे, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तो हमेशा से प्यारी थी। जी मोहतरमा, आप तो हमेशा से ही प्यारी थी, पर अब तो आपके अंदाज ही कुछ और हैं। सुग्रा जी, बीबी जी दो जूस लेकर आओ, और फिर उसके बाद हम मजेदार सा खाना भी खाएंगे। अरे नहीं नहीं यार, इतनी फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, सोचा इतने अरसे से हम मिले नहीं हैं, तो मैंने शहजाद को कॉल करके बोला, उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अभी ड्राइवर भेजता हूँ, जाके मिल लो अपनी दोस्तों से, तो तुम तो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन यार ये खाना वगैरह ना, तुम बहुत तकल्लुफात कर रही हो। वो सब तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ शादी कैसी रही और हनीमून कैसा रहा, सिर्फ अमेरिका में ही रही या आगे भी कहीं गई? क्या मतलब सिर्फ अमेरिका में ही रही, अमेरिका कितना बड़ा है तुम्हें पता भी है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में इतना वक्त लग जाता है, और तुम जानती हो ना कि वो उनकी इतनी बिजनेस कमिटमेंट्स थी कि हमें जल्दी वापस आना पड़ा और हम अमेरिका से ना कहीं आगे नहीं जा सके, लेकिन वादा किया उन्होंने मुझसे कि बहुत जल्द ना मुझे मेरी पसंद की किसी जगह पे लेके जाएंगे। हाउ रोमांटिक। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ शहजाद भाई कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है? यार पता है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था ना अपने लिए, बल्कि उससे भी बेहतर। वो क्या कहते थे, हम लोग स्टोरीज में प्रिंस चार्म, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, मेरी हर जिद, मेरी हर बात, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, ऐसे जैसे पागल हो गए हो मेरे प्यार में। दीवाने तो होंगे, इतनी प्यारी बीवी जो मिली है उन्हें। अच्छा हमें तस्वीरें तो दिखाओ शादी की, कब से तुम्हारी पिक्चर्स का वेट कर रहे हैं। तस्वीरें तो ना डेवलप होने के लिए गई हुई हैं, तो वो जैसी आएंगी मैं तुम लोगों को मैसेज कर दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है सही है, तो फिर हमें अपने घर कब बुला रही हो? अरे यार ये तो क्या बात हो गई, तुम लोग का अपना घर है, अभी ग्रुप बनाओ मैसेज पे और सबको ना ऐड करो, हम लोग अभी कोई प्लान बना लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, बहुत मजा आएगा। It is so beautiful. वो दिखाई में मिली है मुझे। So elegant. मानना पड़ेगा शहजाद भाई की चॉइस को। अच्छा बस कर जाओ, नजर नहीं लगाओ मुझे। सुग्रा कहाँ रह गई हो, जूस ले भी आओ, कितना टाइम लगाओगी अब? अली अली आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। पूछो, लेकिन मेरा मूड खराब मत करना। आप लोग जब जाते हैं
तो घर का गेट बाहर से लॉक क्यों होता है? क्यों? तुमने कहाँ जाना था? मुझे कहीं जाना नहीं होता, लेकिन लेकिन क्या हुँ? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि घर का गेट लॉक है या खुला। भली कोई जरूरत हो सकती है मुझे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। घर बैठी औरत को किस चीज की जरूरत हो सकती है? और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो ही जाए तो तुम मुझे पीटीसीआर पे कॉल कर सकती हो, मैं मर नहीं चाहता। वैसे भी जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें आजादी देने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। सही कह रहे हैं आप, ना ही मुझे कोई जरूरत हो सकती है और ना ही कोई इमरजेंसी। मैं शायद इसी काबिल हूं। नहीं, तुम इस काबिल नहीं। इंटरनेट चेक करो, क्यों नहीं चल रहा? अरे भाई, कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे कसम से, लाइफ में इंटरनेट ना होना तो सकता आप किसी और प्लान पे आके बैठ गए। नहीं जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे एक जमाना होता था जब लोगों की बुनियादी जरूरियात सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता था, और अब उसमें एक चीज का इजाफा हो गया, वो पता है क्या? क्या? इंटरनेट। और उसके बगैर आप जी नहीं सकते। जाहिर है, मतलब फारिग वक्त और क्या ही मसरूफियात रह गई है? इंटरनेट। क्या मतलब और क्या मसरूफियात रह गई? बंदा सो सकता है चुप करके, बुक पढ़ सकता है मेरी तरह, यू नो। आप तो बहुत ही गुड गर्ल है। नहीं, अब मैं हर चीज के बिना रह रही हूँ, ना कोई इंटरनेट है ना मोबाइल, और मैं मरीज पे भी नहीं हूँ, इसी दुनिया में हूँ, लेकिन कहाँ मैं खुद भी नहीं जानती। ये घर शायद मेरी कैद है, या फिर शायद कब्र, और मैं एक दिन इसी कैद पे पड़े पड़े मर जाऊंगी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हेना का इस तरह शॉपिंग मॉल में अकेले घूमना। क्यों, क्या हुआ? I mean, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर गलत बयाने से काम लिया है ना उसने। हमें कह रही है कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है, और देखा तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है, वो भी अकेली। शहजाद, तुम्हारी बीवी है वो, तुम उस पर नजर रखो, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। आप ही, मैंने आपको बताया था ना कि उसे अपनी फ्रेंड से मिलना है, तो उसी के लिए वो गिफ्ट लेने के लिए वहां पर आई होगी। You know what, शहजाद? जितना तुम इनोसेंट हो, मुखलिस हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया में रहने वाले सारे लोग तुम जैसे हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया को अपनी नजर से देखना छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहन तो हूं ही, दोस्त भी तो हूं ना। एक दोस्त के नाते समझा रही हूं कि हिना पे इतनी आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो, प्लीज। आप ही वो बीवी है मेरी, मैं उस पर ट्रस्ट ना करूं क्योंकि पास्ट में उसने गलती की है, सारी जिंदगी उसे सजा देता रहूं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर ट्रस्ट ही ना करो शहजाद, मैं ये कह रही हूं कि उस पर इतना ट्रस्ट मत करो जितना तुम करते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक लड़की है,
उसने तुमसे शादी इसलिए की थी कि वो सारी आसाइशें हासिल कर सके जो उसे शादी से पहले मैसर नहीं थी, और तुमसे शादी करने के बाद वो सब कुछ हासिल कर चुकी है। ये सब आपको इस वजह से लगता है क्योंकि पहले दिन से आप उसे लेकर पद को माने। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा ही है। देखें, आपका भाई बहुत मैच्योर है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, रोज हजारों लोगों से डील करता हूं मैं। तुम शायद एक बात भूल रहे हो, तुम जैसे अकलमंद इंसान और कामयाब बिजनेसमैन को वो पहले भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना चुकी है। उसे बड़ी अच्छी तरीके से आता है सब कुछ करना, तुम भूल रहे हो ये बात। कैसे भूल सकता हूं, आप है ना मुझे याद दिलाने के लिए। एक्सक्यूज मी।